हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, आपको लेके उनके क्या करंट इमोशंस हैं, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आपको लेकर। ठीक है, रीडिंग जो है वो गाइज पिक योर डेट ऑफ बर्थ है। आपके सामने दो ग्रुप्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिसमें आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है, आपने वो ग्रुप चूज़ करना है। ठीक है, उसी में आपको आपकी रीडिंग मिलेगी। सो वीडियो को पॉज करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें और उसके अकॉर्डिंगली आपने रीडिंग देखनी है। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मुझे मेरे इंस्टा पे भी मस्ट फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का अकाउंट और मेरे फेसबुक का अकाउंट वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए और मुझे मेरे अकाउंट्स पे फॉलो करिए। जो लोग इंग्लिश में रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं वो भी मेरे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव गाइस। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। सो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने दो ग्रुप्स में रीडिंग डिवाइड की है, ताकि आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड आपके पार्टनर्स की जो भी फीलिंग्स हैं वो रेजोनेट हो सके। बट फिर भी जनरल रीडिंग की तरह ही होगी, बिकॉज बहुत से लोग इस ग्रुप को चूज़ करेंगे, बहुत से लोग इस ग्रुप को चूज़ करेंगे। सो जितना भी रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी फ्लाई द डस्ट। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने पर्सन पे फोकस रखना है, पॉजिटिव रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट करें। ठीक है, अपने पर्सन पे फोकस रखिए, स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट योर पर्सन। आप उनका नाम रिपीट कर सकते हैं, उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी उनसे अलाइन हो सके। चलिए मैं आप रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लें। ग्रुप वन है हमारे पास ये, अब आप देख लें आपका जिस भी ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ग्रुप वन एंड वी हैव ग्रुप टू, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप वन में है, आप लोगों ने ग्रुप वन चूज़ किया है, सो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करें। अपने पर्सन पर फोकस रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। आप अपने पर्सन का नेम रिपीट करिए। ठीक है, सो देखते हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आपका सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग में देख सकते हैं। पर्सन आपका एक्स हो सकता है, आपका करंट पर्सन भी हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका कोई एक्स, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। ग्रुप वन, फर्स्ट वी हैव द लवर्स, नंबर सिक्स। नंबर सिक्स किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर सिक्स, नंबर एट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड, डबल एट मास्टर नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस मुझे अभी तक रीडिंग में। यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। या देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 26 एज, 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देन वी हैव नंबर थ्री, एम्प्रेस। 36 एज, 38, 32, 23 ये भी एज हो सकती है। एंड डबल मास्टर नंबर एट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके लिए डबल मास्टर नंबर टू भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज आपके पर्सन की अपनी एज या डेट ऑफ बर्थ 22 भी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्टार साइन है एंड यहाँ पे टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली गाइस, ये जो भी पर्सन है ये आपको छोड़ के चले गए, आपसे वॉकआउट कर गए हैं और अब ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या बिकॉज टू वैंड एंड टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर्स ये जो पर्सन हैं ये आपसे यूनियन का वेट कर रहे हैं। आपके साथ जो इनकी फ्रेंडशिप थी, जो इनकी बॉन्ड थी आपके साथ, ये पर्सन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पर्सन काम करते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका ध्यान जो है वो टोटली आपके ऊपर होता है, चाहे ये जो भी काम करते हैं। या आपके साथ टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे।
ठीक है, आपसे वॉकआउट करके इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। इस टाइम आपके पार्टनर्स चाह रहे हैं कि आपकी यूनियन हो, आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन आई फील लाइक ये पर्सन किसी चीज़ में ट्रैप्ड है, किसी चीज़ में इस टाइम फंसे हुए हैं ये। यस, बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि क्या चीज़ है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी कनेक्शन में भी हो सकता है। एट ऑफ स्पॉट को क्लैरिफाई करिए, एट ऑफ स्पॉट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। वी हैव द फोन, यस, ये पर्सन किसी चीज़ में स्टक है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर इस पर्सन की अपनी मदर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या फिर इस पर्सन के अपने नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जिसको लेके ये अभी ट्रैप्ड हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपसे बात करें या किस तरह से आपको अप्रोच करें, बिकॉज आपसे दूर रह के भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपसे दूर नहीं रह पा रहे। ठीक है, तो ये अभी डेफिनेटली ये रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो फेवर में जाएंगी। ठीक है, सो आपके पार्टनर्स को आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आपके पार्टनर्स को आपके साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील होता है। दिस पर्सन फील्स कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा हील करते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पर्सन ने एक दूसरे के हार्ट पे हाथ रखा हुआ है और उसको एनर्जी दे रहा है हीलिंग। तो आपके पार्टनर्स को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को एक पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो, आप डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, आप एक दूसरे की कमियां जो हैं वो एक में कमी है वो दूसरा पूरी कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एंड यू गाइज विल डेफिनेटली कम्प्लीट ईच अदर, आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं, इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। तो ये रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और ये टाइम स्पेंड करने के लिए, आपको डेट करने के लिए, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाने के लिए सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज वेटिंग, प्लान कर रहा है ये पर्सन, प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की आपके साथ डेट करने की, आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होने की, बिकॉज ये आपको छोड़ के चले गए, उसके बाद ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आई है, आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया, काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो, काफ़ी हैंडसम हो चुके हो, यू गाइस आर वेरी सेक्सी पर्सन। सो ये आपको अपना लव, अपनी अफेक्शन, अपनी अटेंशन सब कुछ आप देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट का कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके साथ आप आगे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो भी रिस्क टेकिंग है, बट रिस्क लेने के लिए ये भी रेडी नहीं है। या इनको काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं आपके पर्सन को, लाइक इनको अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे मैं अगर कुछ करूँगा या एक्शन लूँगा या लूँगी तो कहीं चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं, बट मुझे मेंटल इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है आपको छोड़ के जाने की वजह से। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कनेक्शन जब छोड़ा है तो ये किसी दूसरी सिटी मूव कर गए। यस, क्योंकि आपको आपसे वॉकआउट करके गया, इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया अपना, जिसकी वजह से ये आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन बुरी सिचुएशन से इनको गुजरना पड़ रहा है। या सो ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप मैरिज मटेरियल की तरह हैं, आप दोनों का कपल एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा दिखेगा। यस, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गेट यू प्रेगनेंट, यस, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। यस, ये काफ़ी ज़्यादा आपको सेक्सी देखते हैं, आपको छोड़ के जाने के बाद शायद आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी ग्रूमिंग पे, सो ये उस चीज़ की वजह से भी काफ़ी इनको बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी आपको छोड़ के। Now let's see more, और देखते हैं कुछ कि आपके पर्सन क्या फील करें, बट डेफिनेटली ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये आपकी वही लव, आपका केयर मिस कर रहे हैं जो कि आप इनको पास्ट में देते थे। आपके इनकी लाइफ से चले जाने के बाद इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने वाला, इसकी परवाह करने वाला, इसे समझने वाला, इससे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, लेकिन रिस्क है यहाँ पे आपको अप्रोच करना इनके लिए।
ये इस टाइम ये पर्सन जो है ना, ये जो भी पर्सन है गाइस, ये इस टाइम ऐसी सिचुएशन में इनको लग रहा है जैसे कि किसी बॉक्स में बंद हैं और इनको रास्ता नहीं मिल रहा, जबकि रास्ता इनके सामने है, बट ये आपको अप्रोच करने करना इनको इनके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ हो रही है, जबकि ये चाहते हैं कि आपके साथ वही हैप्पीनेस, वही एक अच्छा टाइम वापस आए. वी हैव सोरो, लूज, ग्रीफ, डिप्रेशन. यस, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी दुखी हैं ये. आपका लॉस फील कर रहा है ये पर्सन. यस, काफ़ी डिप्रेशन में भी हो सकते हैं बिकॉज एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और एट ऑफ कप्स की एनर्जी. आपको छोड़ के जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं. इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लिए ये तकलीफ खुद चूज की है. या इसीलिए ये आपके पास आप आना चाहते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा गाइज आपके पर्सन को जो है वो दुख है आपको छोड़ने का, आपसे वॉक अवे करके जाने का, आपको अपने इमोशंस शो ना करने का. लाइक आपको इनके इमोशंस की जब ज़रूरत थी तब इन्होंने शायद आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं किया या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया है. देन वी हैव लॉन्गिंग, क्रेविंग, एचिंग एंड वॉन्टिंग. यस, ये अब आपके लिए तड़प रहा है ये पर्सन. इस पर्सन की सोल जो है वो आपके लिए क्रेविंग कर रही है. इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है और इस टाइम इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनको इस दुख से बाहर निकाल सकते हो. आपको छोड़ के डेफिनेटली गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है और अभी वेट कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें ठीक होंगी. देन वी हैव रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स. यस, ये आप जो है चाहते हैं वापस आना आपकी लाइफ में और ये चाहते हैं आप इनको सेकंड चांस दीजिए. ये अपॉर्चुनिटी रिसीव करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि आप इनको एक मौका, दूसरा मौका दीजिए ताकि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकें और दोबारा से चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कंटिन्यू कर सकें. डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया है, काफ़ी बुरा आपके साथ किया है, आपको आपकी इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड किया. ठीक है, आपने जब कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने इस पर्सन को केयर भी दी है, लेकिन इन्होंने उस टाइम नहीं समझा इस चीज़ों को, बिकॉज इनको लग रहा था जैसे आप हमेशा रहोगे इनके साथ. लेकिन आपको छोड़ने के बाद, वॉक अवे करने के बाद इनको लग रहा है कि इन्होंने तो एक अच्छा दोस्त भी खो दिया है. देन वी हैव रियलाइजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे. या इनको आपको छोड़ने के बाद आपकी इस जो कमी है वो रियलाइज हो रही है. इनको लग रहा है इन्होंने बहुत गलती की है, इनको एहसास हो रहा है आपको छोड़ के जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, आपसे वॉक अवे करने का. इनको लग रहा है जैसे आपके जाने के बाद इनकी लाइफ से सब कुछ ही चले गया है. या तो इसीलिए सेकंड चांस चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं. फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एंड फैंटेसाइज. यस, ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, ये डे ड्रीमिंग करता है गाइस आपके साथ यूनियन, आपके साथ कनेक्शन, बिकॉज ये चाहते हैं, इसीलिए 5D लेवल पे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपको छोड़ जाने का एहसास हो रहा है कि जैसे ही आपको छोड़ के चले गए. उस टाइम इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही थी, बट अभी विद टाइम इनको काफ़ी चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो रही है और दुख हो रहा है क्योंकि इनको आपकी कमी महसूस हो रही है. देन वी हैव एक्सीडेंट, डेंजर, कॉजन एंड इंजरी. इनको डर भी लग रहा है आप लोगों के पास आने का गाइस. यस, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपके पास आएंगे. देन वी हैव शेड्यूल, मैनेज, प्लान एंड ऑर्गेनाइज. यस, ये प्लान कर रहे हैं गाइज आपको रीच आउट करने की. ये पर्सन अपना शेड्यूल बना रहा है कि इसने कब आपको रीच आउट करना है, कब आपसे बात करनी है, बट अभी सही डिसाइड नहीं कर पाया ये पर्सन, लेकिन प्लानिंग चल रही है इनकी. ठीक है, ये मैनेज कर रहे हैं अपना टाइम. कुछ लोग हो सकता है आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हो, दैट्स वाई आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये डर भी रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए. यस, शायद हो सकता है ये किसी तरह की पेन में है, एक तो आपका दुख है, दूसरा हो सकता है इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर काफ़ी दुखी हैं और आप ज़्यादा याद आ रहे हो इनको. देन वी हैव फ्रेंडशिप, ये आपसे आपकी जो फ्रेंडशिप थी वो गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना मिस कर रहा है. ये दोबारा आपसे कनेक्शन रखने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं. जैसे आप लोग अपने, हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, आप मिलके काफ़ी ज़्यादा
सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये वो टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. आपका नेटवर्क हो सकता है काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो ये वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं बिकॉज सब अपनी अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको छोड़ के पछता रहे हैं. 76, 72 नंबर्स किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. 13 नंबर, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव स्ट्रेटजी, यस ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं. 48 भी एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं पर्सन, डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, प्रडिक्शन कर रहे हैं इस टाइम कि किस तरह से इन्होंने आपको रीच आउट करना है, किस तरह से आपसे मिलना है. बट इस टाइम मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, आपके पर्सन चाह रहे हैं लाइक कोई एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन ऐसी हो, लाइक कुछ भी ऐसा यूनिवर्स की तरफ से हो कि आप बाय चांस एक दूसरे से मिल जाओ. यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि आपके आपके अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके आपके पार्टनर्स जो हैं वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि आपको रीच आउट कर सकें. यस, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर्स. बिकॉज स्ट्रेटजी तो चल रही है कि आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. बिकॉज हो सकता है आप लोग अभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मिल रहे हो, या आपकी ज़्यादा बातचीत आपके फ्रेंड्स से भी नहीं हो रही जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के. लेट्स सी वीवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा. बट ये ग्रोथ करना चाहता है आपके साथ कनेक्शन की, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइज. अब रियलाइज हो रहा है इसको सब कुछ. वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, या देन वी हैव हैंगमैन. ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा स्टक है गाइज, लेकिन दिस पर्सन ऑल वेरी वेल कि आपको पाने के लिए, आपके साथ दोबारा से यूनियन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है. हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा. यस, या ये मज़ीद आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करने वाले हैं, अपनी सोच को चेंज करने वाले हैं बिकॉज ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते. आपको लेकर आने वाले टाइम में मज़ीद मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो पोजेसिव रहने वाले हैं. यस, दिस पर्सन रियली होल्ड ऑन यू वेरी टाइटली गाइस, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते. दिन गिन रहा है गाइस ये पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है. बट ये नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है. अगर इन्होंने अपनी ईगो की वजह से भी छोड़ा है आपको, तो ये अपनी ईगो को एक साइड पर रख के आपको अप्रोच करेगा, लेकिन शायद आप इनसे बात करने में टाइम लोगे, या फिर हो सकता है आप लोग इनसे बात ना करो ठीक से. लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक करो. अगर आपने कोई बाउंड्रीज बनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द, तो उस वजह से शायद आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अप्रोच करें तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है. क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी सैड भी हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुझे और ज़्यादा ये सोचते हुए लग रहे हैं आप लोगों पे कि आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना. बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई इंसान आपसे ज़्यादा दूर होता है तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो जब ज़्यादा 24/7 आपके बारे में सोचते रहेंगे तो आपसे बात करना चाहेंगे ये. तो ये वही सिचुएशन चल रही है आने वाले टाइम में. लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 7 to 9 weeks भी लग सकते हैं. यस, लेकिन अभी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ये पर्सन जब भी आएगा आपकी तरफ तो. ओके, नंबर्स को आप फोकस करते जाइए, जैसे रेजोनेट वो आप लोगों ने वैसे लेने हैं, ठीक है. सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो, वेलकम बैक टू योर रीडिंग ग्रुप 2. अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में है, आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपके पार्टनर्स जो हैं आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आप लोगों को लेकर. आपका सिचुएशन कुछ भी आप रीडिंग को देख सकते हैं. चैनल को मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एंड फेसबुक. आपको उसके नेम जो हैं आईडीज़ के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. अगर आप लोग पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड नाउ जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन. आपके जो पर्सन हैं उन पे फोकस करिए. जो भी ये पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम रिपीट करिए, उन पे फोकस करिए. एंड जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.
लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की. सो वी हैव 21 द वर्ल्ड, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 3 किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है. देन वी हैव नंबर 18 मून, कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर 5 किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस. वेट गाइस, मैं जरा कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ. या नो फाइन, ओके. 35 एज भी हो सकती है, 39 एज भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की. देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, देयर इज अ लॉट, आई डोंट वांट टू टेक इट. नंबर 7 किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है. देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. ओके, आपके लिए 55 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइज. यस, मुझे बॉटम ऑफ द रैक है यहाँ पे द फूल की एनर्जी, एक्वेरियस स्टार साइन भी है विद अ फूल एंड द वर्ल्ड. मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो आपके ये जो पर्सन है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं आप लोगों से. यस, एंड आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप लोगों, या आपके पर्सन जो हैं गाइस डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसे आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप लोगों ने हो सकता है इनको ब्लॉक किया हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी तरफ से, दैट्स वाई आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे. यस, बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं. दिस पर्सन फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के क्लैशेस रहे हैं आपस में. ठीक है, शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आपको काफ़ी लेट डाउन फील करवाया है और आपसे आराम से कम्युनिकेशन नहीं की, क्योंकि इस पर्सन ने आप लोगों से आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, गुस्से से बात की है, काफ़ी रूडली बिहेव किया है, काफ़ी हॉट टॉक हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है, आप लोगों ने इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है. क्योंकि पहले आप लोग हर टाइम इस पर्सन के पीछे थे, आप इसको चेज कर रहे थे, रनर चेजर की सिचुएशन चल रही थी. ठीक है, और आपके पर्सन को लग रहा था आप तो इनके बिना रह नहीं पाओगे, इनसे बात करते रहोगे. ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों ने शायद इस पर्सन से टोटली कट ऑफ कर दिया है, और यही चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी सैड कर रही है, या आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी तनहा खुद को फील कर रहे हैं. यस, इस पर्सन को लूज़र फील हो रहा है बेसिकली, क्योंकि 5 हमारे पास कन्फ्लिक्ट का नंबर होता है, आपके दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है गाइस. ग्रुप 1 में तो मुझे कन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहे थे, बट यहाँ पे मुझे आप दोनों की साइड से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं. यस, एंड आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से किसी तरह से काफ़ी कुछ छुपाया है, या फिर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है. यस, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आप लोगों से इन्होंने इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं किए, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट भी इनकी नेचर हो सकती है. बट आई फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ सीक्रेट्स, कुछ आपको नहीं पता, कुछ बातें शायद हो सकता है इन्होंने आपको क्लैरिफाई कुछ नहीं किया पास्ट में. अगर आपकी जिस बात को लेकर भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इन्होंने क्लैरिफाई करने की बजाय इन्होंने सीधी आप लोगों को कन्फ्यूज रखा, और आपको या तो आप इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे बहस स्टार्ट कर दी, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी बुरी तरह से इस टाइम चल रहा है. अब वो लीस्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, अब वो ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, टोटली ब्रेकअप भी हो सकता है. बट पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड द मून, ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा गाइस कनिंग है. यस, आपको हो सकता है अब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन इनको लग रहा है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको रीच आउट करना काफ़ी ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट है. आपके इस कनेक्शन में काफ़ी साइकिल्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, और काफ़ी बारी आपका पैचअप हुआ है, लेकिन अभी ये आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हो, आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर दिया इस नेगेटिव एनर्जी से, इस नेगेटिव पर्सन से,
सो दैट्स वाई अब भी आप लोग शायद अपनी लाइफ काफ़ी फ्रीली इन्जॉय कर रहे हो. आप लोगों ने काफ़ी कुछ फेस किया इस कनेक्शन में, लेकिन अभी आप लोग खुद के लिए जो आपका आपके लिए बेटर है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेटर है, अब वो शायद आप चीज़ें फोकस्ड कर रहे हो. और ये पर्सन को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप तो इसको इतना चेस करते थे, आप इससे बात करने के लिए तरले करते थे इस पर्सन के, आप इससे बात किए बिना रहते नहीं थे, और अब ऐसा टाइम आ गया कि आपको इस पर्सन की परवाह ही नहीं है. यस, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बैडली बिहेव किया है. ये आपसे बहस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में जीता तो है अपनी ईगो की वजह से, लेकिन अभी ये पर्सन को लग रहा है लूज़र फील हो रहा है. आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इस पर्सन को पता है आपको गुस्सा है, ये जानता है ये बात, इसीलिए ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं आपको. हो सकता है किसी से आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ आप क्या कर रहे हो. यस, ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है बिकॉज उन्होंने काफ़ी बुरे से आपके साथ ट्रीट किया है आपको. मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन नहीं, आपकी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाता रहा है, सीक्रेट रखता रहा है. आपको भी नहीं पता था कि ये पर्सन इतना सीक्रेटिव क्यों है या क्यों ऐसे कर रहा है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज के आप लोग कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको कोई आइडिया नहीं हो रहा, और शायद ये इसी वजह से दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहा है चलाकी से, और बहाने की तलाश में है कि किस तरह से आपसे बात हो, किसी तरह से आपको अप्रोच कर सके ये पर्सन. पहले शायद ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर लेता था, आपसे गुस्से में बात कर लेता था, आप इग्नोर कर देते थे, बट जब पास्ट में जो रिसेंटली अगर आपकी कोई बात हुई है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है लिमिट क्रॉस हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस पर्सन को टोटली कट ऑफ कर दिया है. और ये पर्सन सैड है, इस पर्सन को बुरा फील हो रहा है, इसको लग रहा है आपने अकेला छोड़ दिया इस पर्सन को, और वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी जो है वो बोर कर रही है. नाउ लेट्स सी मोर. वी हैव इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग. यस, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन सुन रहा है बिकॉज हमारे पास द मून की एनर्जी भी है. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना डीपली अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इन्होंने आपसे कैसे रीच आउट करना है या किस तरह से प्लानिंग करके चलाकी से आपसे बात करनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आपको मैसेज करेंगे, इसीलिए अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा है. कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन है. आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने गलती की है, तो अब इस बार आप भी चाहते हो कि ये खुद कोशिश करें, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बैडली बिहेव किया है, रूड बिहेव किया, आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए आप अब कोशिश नहीं करो. आपके पर्सन को पता है, उसको ये पता चल रहा है, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन सुन रहा है ये पर्सन. इस पर्सन को पता है कि इसने गलती की है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, काफ़ी रूडली बात की है आप लोगों से. देन वी हैव ऑब्सिक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस, कंसीलिंग. मैंने आपको बताया ना गाइस, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपसे, सीक्रेट रखा है इस पर्सन ने, क्योंकि हो सकता है आपको भी लगता है कि ये पर्सन शायद किसी ना किसी वजह से आपसे कोई बातें छुपाता है, या कुछ चीज़ें आपने पूछी हैं इस पर्सन से और इसने आपको क्लियर नहीं बताई, क्योंकि काफ़ी सीक्रेटिव है ये पर्सन, मिस्टीरियस एनर्जी है इस पर्सन की, इसके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, एक डिसेप्टिव एनर्जी होती है. हो सकता है इन्होंने आपको धोखा भी दिया हो, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है. शायद ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हो गया था और आपसे छुपा रहा था, आपसे सीक्रेट्स रखता था, आप पूछने की कोशिश करते थे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ पता चल जाता है ना दूसरे के एक्शन से या बात करने के स्टाइल से, तो आपको लग रहा था काफ़ी चीज़ें मिस्टीरियस हो रही हैं. तो ये पर्सन अभी भी टोटली खामोश है. हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आप लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया हो, कि अगर आपने इनसे कुछ पूछने की कोशिश की बट इसने क्लैरिफाई नहीं किया, ये पर्सन खामोश हो गया, इसने अपने होंट सी ली, अपनी ज़ुबान बंद कर दी, कुछ भी नहीं बताया आपको. राइट नाउ ये पर्सन देख रहा है कि इसने गलत किया है, आपसे सीक्रेट्स रखे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर सीक्रेट्स हैं तो वो कनेक्शन तो ना हुआ, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है. रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट द ट्रूथ, कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन नहीं की इस पर्सन ने अच्छे से. देन वी हैव केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन. ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप लोगों की द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप लोग इस टाइम अपनी लाइफ पे काफ़ी फोकस्ड हो,
आप लोग अपनी लाइफ को हो सकता है सेलिब्रेट कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असेंशन आई है, काफ़ी ग्रो किया है आप लोगों ने, शायद आप लोग हो सकता है काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो। लाइक इस पर्सन को पता है कि अगर आप सिंगल भी हो तो आप अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हो, तो ये आप में ऐसा स्पार्क देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रूम कर रहे हो, आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, दैट्स वाई इस पर्सन को आपसे बात करने का तजस्सुस हो रहा है। देन वी हैव कार्मा, कंसिक्वेंसिस, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेप्थ्स। यस, ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं अपने कार्मा फेस कर रहा है, कुछ लोगों का ये कार्मिक पार्टनर भी है गाइस। शायद ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए आया था, आपको आपकी वैल्यू बताने के लिए आया था, ठीक है। या डिस्टेंस, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉकेजेस। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के दरमियान, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, अभी ये पर्सन जो है कोई ज़्यादा इस पर्सन को ना अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी इस पर्सन की स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब तक इस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक इस पर्सन की अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। आपके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके इस कनेक्शन में, आप दोनों के दरमियान लाइक एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आपकी डिवेलप नहीं हुई है। हो सकता है कि डे वन से ही आपके दरमियान कोई भी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप ना हुई हो, ये पर्सन ने अपनी एक सेफ जो साइड है वो रखी हुई थी और मिस्टीरियस था, ठीक है, सीक्रेट्स आपसे रखता था स्टार्टिंग से ही। अब ये सीक्रेट्स किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं गाइस, तो यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आप लोगों के इस कनेक्शन में, जो कि ये पर्सन सुधर नहीं रहा, लेकिन स्टिल आपके तरफ अट्रैक्शन है इसको, लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे ज़्यादा अपने लिए डिफेंसिव है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन इस पर्सन की अपनी सेफ साइड क्या है ये उसके लिए ज़्यादा प्रेफर ये चीज़ करती है इंस्टेड ऑफ यू। एक इंसान होता है ना अपने पार्टनर के लिए डिफेंसिव होता है, वो नहीं है ये पर्सन, ये अपने लिए डिफेंसिव है। इसकी इसका यू नो सेफ जोन क्या है ये उस चीज़ पे फोकस्ड है, तो ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आपके इस कनेक्शन में कि ये पर्सन ने अपनी स्पेस रखी है स्टार्टिंग से ही। अभी आप देखें कि इस पर्सन ने ऐसा किया है या नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है और ये आपका कार्मिक पार्टनर है कुछ लोगों का, दैट्स वाई आपके दरमियान काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, काफ़ी झगड़े, काफ़ी ईगो क्लैशेज हैं। या नाउ लेट्स सी मोर क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, देन आई विल चेक द नेक्स्ट एक्शन। वी हैव रेडीनेस, प्रिपरेशन, अरेंजमेंट। यस, ये पर्सन फिर भी प्रिपेयर हो रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को कि इसने आपकी तरफ कैसे एक्शन लेना है, बिकॉज ये आपसे बात करना चाहता है। सीधी जो बात है यहाँ पे आपके लिए 44 नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। देन वी हैव बुली, 68, एम्बेरसमेंट, गोसिप, अनविलिंगनेस। हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरह से आपको बुली भी किया हो, एक होता ना डिग्रेड करना किसी को, किसी ना किसी चीज़ पे आपको बुली किया हो, आपकी बॉडी शेमिंग पे, बॉडी भी बात कर दी होगी, आपके कलर पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको बुली किया हो, क्योंकि यही चीज़ें मुझे लग रहा है आपका कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे। ये छोटी छोटी बात पे टोंट करना या इस तरह बात करना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा न्यू है, कभी भी इस तरह की एनर्जी रीडिंग में नहीं आई है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर ये जिससे रेजोनेट हो रही है, ग्रुप टू। ओके, तो इसने जो आपको बुली की है, आपके बारे में गॉसिप्स की हैं लोगों से, या लोगों ने भी इसकी वजह से आप लोगों को बुली किया है, तो अब इस पर्सन को काफ़ी बुरा फील हो रहा है, एम्बेरसमेंट इसको फील हो रही है, क्योंकि ये अब आप में देख रहा है चेंजिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने खुद को चेंज किया किसी तरह से। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली काफ़ी कन्फ्लिक्ट हैं आपके इस पर्सन से, क्योंकि ये कार्मिक था गाइस आपका, ये पर्सन कार्मा है आपके लिए लेकर आया, और इसने आपकी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट डाला है, कुछ लोगों को नेगेटिव भी किया है, कुछ लोगों को पॉजिटिव भी किया। अगर आप पे पॉजिटिव चेंज आया है देन वेल एंड गुड, कीप इट अप, बट अगर आप पे नेगेटिव चीज़ आई है तो उसको ना लेकर आए, अपने ऊपर वर्क करें और पॉजिटिव रहें। किसी के बुली करने से डजेंट मैटर कोई क्या कहता है, वो उसकी अपनी मैंटेलिटी है, आपको पता है आप क्या हो, आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। ओके, देन वी हैव शेड्यूल। यस, ये ग्रुप वन में भी ये कार्ड था, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ग्रुप वन या तो देखा है आपने, या आप देखना चाहते थे, या आप उससे भी अट्रैक्टेड थे।
ये पर्सन प्लान कर रहा है आपको रीच आउट करने की, और किसी तरह से मुझे लगता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेगा क्योंकि ये बुरा फील कर रहा है। शायद हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ये भी बोला हो कि तुम तो कुछ करने के लायक ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती या सकते, समथिंग लाइक दिस, किसी भी चीज़ को लेकर बोला होगा। तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है कि इसको, इसने जो बुरा किया है अब ये कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा। देन वी हैव कमिटमेंट, बाइटिंग ऑब्स्टेकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, ये आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आई थिंक इस पर्सन को कोई ना कोई चीज़ रोक रही है गाइस। यस, मैं देखना चाहूँगी ये पर्सन को चीज़ रोक क्या रही है। वांट टू क्लैरिफाई, ये पर्सन किसी चीज़ में बंधा हुआ है। यस, शायद मुझे लगता है गाइस ये पर्सन इस वजह से अपने आप को बाइंडिंग फील कर रहा है बिकॉज ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, दैट्स वाई। इसको लगता है कि अगर आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर भी आता है तो ये तो इतना सीक्रेटिव पर्सन है, इसको तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा बिकॉज नीचे हमारे पास एनर्जी है द मून की भी एंड ऑफ सिक्योरिटी की भी, कि ये पर्सन इतना मिस्टीरियस है तो ये इस पर्सन की नेचर बन चुकी है, दैट्स वाई ये ओपन अप नहीं हो सकता। ये चीज़ें इसको रोक रही हैं, इसकी नेचर के अंदर है वो। मुझे लगता है इसके अंदर ना शेडो साइड बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई। और ये आपका कार्मिक पार्टनर है, सो चूज़ वाइजली। ओके, अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं सो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने वाइजली यहाँ पर डिसीजन लेना है बिकॉज जब तक ये पर्सन के जो भी चीज़ें हैं कार्मिक वो रिलीज नहीं होंगी तब तक आपका परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियर चीज़ है यहाँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं फिर भी इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। ग्रुप टू के पार्टनर्स नेक्स्ट मूव, वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपको अपोलॉजी करेगा गाइस बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन को पता है यू गाइस आर आर्टिस्ट, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हो चुके हो, आप डेफिनेटली एक लविंग पर्सन हो, तो ये आपके उस लविंग नेचर की वजह से ही आपके पास वापस आएगा क्योंकि इसको लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा पीसफुल हो, पहले से ज़्यादा आप काम हो चुके हो, आपने अपने आप पे वर्क किया है। पहले आप लोग इस पर्सन से झगड़ा करते थे, अब आपने वो भी करना छोड़ दिया, इग्नोर कर रहे हो फुल आप, और करना भी चाहिए जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है। तो विद इन सिक्स वीक्स या विद इन सिक्स वीक्स या सिक्स मंथ में ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे बिकॉज मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है। तो ये आपको अपोलॉजी का मैसेज भी कर सकता है, ठीक है। आना चाहता है लेकिन इसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो इस पर्सन की सीक्रेटिव नेचर है, उस वजह से ये आपके पास आ नहीं रहा। या सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।